नमस्ते, आज हम अपनी डेली योगा प्रैक्टिस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज की प्रैक्टिस में हम बहुत ही सिंपल मूवमेंट्स करेंगे, पूरी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे और फिर हम ब्रीथिंग के लिए बैठेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने पैरों को सामने खोल लेंगे। कोशिश करनी है कि अपनी बैक स्ट्रेट रहे। अगर आप स्ट्रेट नहीं रख सकते अपनी बैक, तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। शोल्डर्स बैक। शुरू करेंगे एंकल से। तो पहले अपने टोस को पॉइंट करेंगे, देन फ्लेक्स। गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change, alternate. Go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now together, rotation. Go 1. कोशिश करिए अपनी knees को आप straight रखो। Knees bend नहीं होनी चाहिए। Okay, reverse. अपना राइट लेग बेंड करेंगे। दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपनी थाइस को अच्छे से पकड़ना है। थाइस को अपने एब्डोमेन के पास रखेंगे ताकि आपकी बैक स्ट्रेट रहे। अब धीरे धीरे आपको लेग को स्ट्रेट करना है एंड देन बेंड अगेन। दिस इज फॉर योर नी जॉइंट। स्ट्रेट एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now the same leg, आप 90 degree में रखोगे and then start rotating your knee. Go 1, 2, 3, 4, 5. Go reverse. 5, 4, 3, 2, and 1. Now the same leg. इसी leg को हम बिना leg को आगे ले जाए, धीरे धीरे सीधा करना है और फिर धीरे से वापस बेंड करना है अपनी क्षमता के अनुसार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड रिलीज। रिलैक्स योर लेग। धीरे धीरे से ओके। सेम हम करेंगे लेफ्ट लेग के साथ भी। इंटरलॉक करना है, थाई को पकड़ो, एब्डोमेन के पास रखो एंड देन स्लोली स्ट्रेट एंड बेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सेम लेग को, नी को रखेंगे 90 डिग्री में एंड देन स्टार्ट रोटेटिंग। गो 1, 2, 3, 4, 5. Go reverse. 5, 4, 3, 2, and 1. Deepen in an exhale. अब धीरे से leg को straight करेंगे। ये आपके back leg में बहुत stretch देता है, तो अपने capacity के according करेंगे। धीरे से ऊपर and then release. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and release. Deep inhale, exhale. Okay. अब हम राइट लेग को फोल्ड करके रखेंगे लेफ्ट थाई के ऊपर। अपने टोस को ग्रैब करके रखेंगे ताकि पैर स्लिप ना हो। लेफ्ट लेग को इंगेज करके रखेंगे, बिल्कुल ऐसे छोड़ना नहीं है। माइल्ड इंगेजमेंट रहेगा, टोस ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अपने नी को पकड़ोगे, धीरे से सांस लेते हुए चेस्ट के पास, फिर एक्सहेल करते हुए जमीन की तरफ। अब दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओपनिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ज़मीन को छुआना है, जैसे कि मेरा ये राइट नी स्टिप है। हाँ, तो मेरे को
बहुत प्रेशर फील होता है इफ आई पुश इट टू मच, तो मैं उतना ही कर रही हूँ जितना मुझे कंफर्टेबल लग रहा है. एंड देन इनहेल आउट, एक्सहेल डाउन, इनहेल आउट, एक्सहेल डाउन. सी द बिहेवियर, इनहेल आउट, एक्सहेल डाउन, इनहेल आउट, एक्सहेल डाउन. जब भी हम होल्ड करते हैं सांस नहीं रोकते हैं, सिर्फ हम आसन को होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, धीरे से नीचे रिलैक्स कर लें. सेम करेंगे लेफ्ट लेग के साथ. अब बिकॉज माय लेफ्ट लेग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये बिल्कुल नीचे आराम से जा सकता है, तो इसमें मैं थोड़ा सा प्रेशर डाल सकती हूँ टच करने के. चेस्ट के पास ले जाएंगे, अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोजिशन. तो बैक ऑफ द फीट टुगेदर, अपने टोस को पकड़ेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट ओपन रहेगी. ठीक है, शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे. इसमें आप बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, कमर सीधी, और अपना ध्यान पैरों पर, जहां पे भी आपको स्ट्रेच फील हो रहा है, मोस्टली योर इनर थाइस, आपका लोअर एब्डोमेन. डीप इनहेल एंड एक्सहेल, मिनिमम 100 फ्लप्स करेंगे यहाँ पे. दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अपनी कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे. एंड देन एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड जितना आपसे हो सके. आपका जो राइट फुट है वो लेफ्ट नी के बगल में होना चाहिए, अपने हिप के क्लोज ले जाना है. ठीक है, अगेन इस पैर को इंगेज करके रखेंगे, बिल्कुल ऐसे लूज नहीं छोड़ना है. टोज फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग, बैक स्ट्रेट, राइट पाम को नीचे रखो आराम से. इनहेल लेफ्ट आर्म अप,
एक्सेल हम पूरे टॉर्सो को रोटेट करेंगे राइट साइड की तरफ जितना रोटेट हो सके. राइट आर्म पीछे जाएगा, लेफ्ट आर्म को हम टप कर देंगे नीचे अगेंस्ट. अब जब हम आर्म को पुश कर रहे हैं तो हम यहाँ से और रोटेशन दे सकते हैं. दोनों शोल्डर को एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और शोल्डर के ऊपर से देखना है सीधा होल्ड करेंगे. कोशिश करनी है कि ये पैर ये नी भी ऊपर की तरफ देखे, अंदर की तरफ ड्रॉप ना हो. बी देयर. फाइव फोर थ्री टू वन स्लोली रिलीज. रिलीज वापस सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ. इनहेल एक्सहेल. Five, four, three, two, and one. Slowly release. अब हम cross leg करके बैठेंगे. Comfortable position में जो भी आपको comfortable लगे. Interlock your fingers. Inhale. स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ आंखें बंद. जब हम स्ट्रेच कर रहे होते हैं इस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हम ओवर आर्च ना करें बैक को. आपको सिंपली अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है. स्ट्रेच फील करना है दोनों साइड्स में, आपके आर्मपिट्स में. डीप इनहेल एक्सहेल. आर्म्स को बिल्कुल भी यूज नहीं छोड़ना है. कीप ऑन स्ट्रेचिंग. फिर ऐसे हम राइट साइड को बेंड करेंगे. वेरी जेंटल वन, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है. स्लोली सेंटर एंड देन एक्सहेल लेफ्ट. इनहेल सेंटर एक्सहेल. Relax your arms down. Deep inhale and exhale. Okay. अपने arms को straight stretch करेंगे shoulder level में. आपको जोर से अपने fingers को fist बनाना है then release. So one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. अंदर करके रिस्ट बनाएंगे एंड रोटेट योर रिस्ट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्लोज. एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. पांच को ऊपर की तरफ बेंड योर एल्बोस. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. शोल्डर्स को ग्रैप करेंगे. ओपन योर एल्बोज टू द साइड्स एंड देन स्टार्ट रोटेशन. गो वन टू थ्री फोर सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन. Release. Deep inhale. And deep exhale. Upcoming and make movement. Inhale and exhale. Right side down karna. Without moving your shoulders. Inhale center. Exhale. Inhale center. Exhale. Inhale center. Exhale.
center, ear to shoulder, slowly. Inside, center, exhale. Inhale, center, exhale. Rotation very gently, fully. So we'll just be in our arms. Keep on breathing. Sounds being open. Stretch your feet, come there. शरीर को तैयार करेंगे प्राणायाम के लिए, तो पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। सबसे पहले करेंगे एक राउंड कपालभाति क्रिया का, अराउंड 50 to 60 स्ट्रोक्स।
would you like to go to open it? नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अगर आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करने में मजा आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. बाय बाय.